रीवा जिले के मऊगंज में एक बार फिर से रफ्तार का ऐसा कहर देखा गया जिसने कई जिंदगियां ली ली। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को रौंद दिया। दर्दनाक घटना में दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्गों में सड़क दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। रीवा जिले के मऊगंज में एक बार फिर से नेशनल हाईवे में एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें दो महिलाओं की जान चली गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक सवार को रौंद दिया जिसमें उसमें सवार दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक महिलाओं की पहचान 20 वर्षीय प्राची चतुर्वेदी व 43 वर्षीय सुधा चतुर्वेदी के रूप में हुई है जबकि एक युवक अजय चतुर्वेदी की हालत गंभीर बताई गई है। स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। आनन फानन में घायल व्यक्ति को मऊगंज सिविल अस्पताल ले जाया गया जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे रीवा रेफर कर दिया गया है। वहीं दोनों मृतकों का शव पोस्टमार्टम के लिए मऊगंज CSC में लाया गया। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि हादसा इतना भयावह था कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस के द्वारा मृतकों की पहचान कर परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। करीबन 11 बजे सूचना आई थी कि पन्नी पथरिया मोड़ में एक ट्रक और मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया है जिसमें मौके पे दो लोगों की मृत्यु हो गई है। जिसमें सूचना पाकर तत्काल घटनास्थल पे पहुँचे और वहाँ देखा तो एक महिला और एक लड़की की मृत्यु हो गई थी जिसमें लड़की की उम्र करीबन 20 वर्ष है, प्राची चतुर्वेदी नाम है उसका, और जो महिला है वो सुधा चतुर्वेदी है। उन दोनों की हादसे में मौके पे ही मृत्यु हो गई थी। उनमें से एक घायल था जिसके पैर में काफ़ी चोट आई थी, उसका नाम अजय चतुर्वेदी है, जिसको तत्काल अपने वाहन से CSC मऊगंज पहुँचाया गया जिसको CSC मऊगंज में उपचार के दौरान रीवा रेफर कर दिया गया है और जो मृतक हैं उनको सुरक्षित CSC मऊगंज में PM पंचनामा के लिए पहुंचा दिया गया है। नहीं, घटनास्थल पर जो दुर्घटनाग्रस्त वाहन है वो और जिसने दुर्घटना की है ट्रक है वो UP का, तो दोनों ही वाहन को थाने ले आया गया है। गुड मॉर्निंग TV मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में दैनिक समाचार पत्र गुड मॉर्निंग का ऑफिशियल चैनल है। खबरों में बने रहने के लिए YouTube में सब्सक्राइब करिए गुड मॉर्निंग TV को और ताजा खबरों और स्पेशल रिपोर्ट सबसे पहले जानने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए।